हाय देयर, दिस इज मुदस्सर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मरी शो। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग मई 26th का वेट कर रहे हैं, शायद ब्लड मून के लिए या सुपर मून के लिए या तो टोटल लूनर एक्लिप्स के लिए। लेकिन मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक बुरी खबर है। हो सकता है कि आप लोगों को मई 26th के दिन टोटल लूनर एक्लिप्स या फिर मैं कहूँ ब्लड मून वो दिखेगी ना। ठीक है, बात करते हैं ये कहाँ कहाँ से दिखेगा। तो आप लोगों को ये मोस्टली ईस्टर्न एशिया, पैसिफिक ओशन, मोस्टली नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से ये बहुत ही प्यारा दिखेगा। लेकिन अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो जो हमारा चांद है वो टोटल लूनर एक्लिप्स के टाइम पे ईस्टर्न होराइजन के नीचे होगा। एंड इस टाइम पे, इस वक्त पे उस मून को देखना हम लोगों के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। अगर आप ईस्टर्न रीजन में रहते हैं इंडिया के, तो आपको मून का, ये जो ब्लड मून का फिनोमिना है, ये आपको मून राइज से थोड़ा पहले दिख जाएगा, वो भी पार्शियल लूनर एक्लिप्स। टोटल लूनर एक्लिप्स या फिर टोटल बिल्कुल रेड कलर का पूरा बड़ा एक लाल चांद, वो इंडिया से नहीं दिख पाएगा। काफ़ी बुरी खबर है, मुझे भी सुन के थोड़ा सा ख़राब लगा, लेकिन आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि वो पार्शियल लूनर एक्लिप्स ही सही, लेकिन इसको अपने चैनल पर लाइव चलाएंगे। जिस तरीके से अभी एक या दो दिन पहले हम लोगों ने स्टार गेजिंग का इवेंट रखा था, उस तरीके से हम लोग मून गेजिंग का भी एक इवेंट रखेंगे, लाइव आएंगे, लाइव टेलीस्कोप से हम लोग टेलीकास्ट करेंगे उस पार्शियल लूनर एक्लिप्स को ही सही, लेकिन टेलीकास्ट करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना नोटिफिकेशन ऑन रख कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देगा, सो दैट कि जैसे ही वो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो आप लोग नोटिफाई हो जाओ। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कि ये लाल दिखता क्यों है। तो मेरी एक ही फिनोमिना है, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। जब शॉर्टर जो वेवलेंथ होती है वो ऑब्जॉर्ब हो जाती है एंड लॉगर जो वेवलेंथ होती है वो हमारे तक पहुंचती है। तो जितना ज़्यादा स्कैटरिंग होगा उतना ज़्यादा हम लोगों का जो मून है वो उतना रेड या ऑरेंजेस दिखाई देगा, और हमारे आसमान में जितना ज़्यादा डस्ट या जितना ज़्यादा क्लाउड होगा उतना ज़्यादा हमको और ज़्यादा रेडिश हमारा जो मून है वो दिखाई देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैडली हम लोगों को इंडिया से मोस्टली रीजन से नहीं दिखाई देगा, तो इसके लिए अब हम क्या ही कर सकते हैं। बट अभी आगे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होने वाले हैं, तो लेट्स नॉट लूज होप एंड लेट्स नॉट लूज अवर मोटिवेशन फॉर दीज एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। एंड अगर मेरे बारे में, चैनल के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बताना बिल्कुल भी मत भूलें। और आपने अभी तक मुझको इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम वगैरह पे फॉलो नहीं किया है तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कोविड टाइम में मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, डू कवर योर माउथ, वेयर डबल मास्क एंड ऑल, एंड डू गेट योरसेल्फ एंड योर फैमिली वैक्सीनेटेड एज सून एज यू गेट एनी ऑफ द स्लॉट वेकेंट इन योर पर्टिकुलर एरिया। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योरसेल्फ। आई लव यू, थैंक यू।